हेलो एंड वेलकम टू एस एस कॉलेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अशवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़े क्लास फर्स्ट का चैप्टर जो हम कर रहे थे क्लास फिफ्थ के अंदर। क्लास फिफ्थ का चैप्टर फर्स्ट जो हम कर रहे थे जिसका मुझे नंबर्स के बारे में उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखो हमने पिछले वीडियो में लगभग सब सीख लिया था, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इनको कैसे नेमिंग की जाती है, हंड्रेड प्लेस 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 वैल्यू जो थी वो हमने वो सीखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में वही सब चीज़ें हैं जो अपने पिछले वीडियो में सीखी है, तो कुछ नया नहीं है, तो शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट पेज नंबर है आपके फाइव पे मिल जाएगी आपको, किस पे, पेज नंबर फाइव पे आपको एक्सरसाइज फर्स्ट मिल जाएगी आपके मैथ्स की बुक के। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फिर से फर्स्ट कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको नंबर्स को क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो देखो इसमें खूब सारे हैं और मैं आपको सारे नहीं करवा सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करें, ऐसे में मैं आपको कोई सेलेक्टिव करवा देता हूँ, जैसे मैं आपको इसका फर्स्ट करवा दूंगा और थर्ड करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट इसका कह रहा है 24056 आ गया। अब देखो सबसे पहले सबसे आगे वाला नंबर पकड़ना है आपको, सबसे आगे वाला नंबर क्या है, टू, टू के पीछे कितने डिजिट, वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट तो कितने जीरो, वन टू थ्री फोर जीरो। फिर आपने क्या प्लस फोर पकड़ा आपने, फोर के पीछे कितने जीरो, वन टू थ्री थ्री जीरो। फिर फाइव जीरो जीरो, जीरो के पीछे कितना है, दो है, तो आपको उसको दो लिखना है पर इसको काउंट नहीं करना, एक बार के लिए समझने के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपने लिखा फाइव को पकड़ा कितना जीरो, वन, और फिर उसके बाद में सिक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा, थ्री डेसिमल थ्री जीरोज के बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा। अब ये क्या बन गया, 20,000। थ्री जीरोज क्या होते हैं आपके, थाउजेंड, इधर भी थ्री जीरोज थाउजेंड, तो देखो ये 20,000, ये 4,000, तो दोनों क्या हो गए, ऐड होकर क्या बन गया, 24,000, ठीक है। फिर इस जीरो को छोड़ दो, कोई काम के नहीं है ये, इसको पकड़ो क्या 50 और ये क्या 6, तो आप इसको कैसे देखेंगे, 24 थ्री जीरोस तो 1000, फिर 50 और फिर 6, तो ये हो गया, इनको आपने लिख दिया वर्ड्स के अंदर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअल में आंसर इसका इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24,056 एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड के सॉरी फर्स्ट के थर्ड पे चलते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है आपके, फर्स्ट का थर्ड कह रहा है आपको नाइन दिया हुआ है, नाइन 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 नाइन, फाइव टाइम्स नाइन है, ठीक है ना, फाइव टाइम्स के आपके नाइन है। सबसे पहले आगे वाला नाइन पकड़ा आपने, सबसे पहले आगे वाला नाइन पकड़ा, वन टू थ्री फोर, फिर दूसरा वाला नाइन पकड़ा आपने, वन टू थ्री, फिर आपने तीसरा वाला नाइन पकड़ा, वन टू, ठीक है, ठीक है। तो देखो नाइन आ गया, नाइन के पीछे कितने जीरोस, दो जीरोस, फिर ये वाला नाइन पकड़ा आपने, इसके पीछे कितने जीरो, एक जीरो, फिर नाइन। अब देखो मैंने क्या बोला, थ्री डेसिमल के बाद लगाओगे आप, थ्री जीरोस के बाद लगाओगे कॉमा, ये क्या हो गया आपके 90,000, ये हो गया आपके 9,000, 90,000 और 9,000 ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे, 99,000, फिर आपने प्लस किया 999, ठीक है। और ये इसका नाम लिखना है, वो क्या लिखना है, 99,999 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको नंबर्स को, तो एक्सपेंडेड फॉर्म तो बहुत इजी है, मैं आपको सिर्फ सेकंड का एक ही कराऊंगा, सेकंड का मैं आपको थर्ड ही करवा रहा हूँ, बाकी आपको ट्राई करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ज्यादा इजी है। देखो सेकंड का थर्ड क्या कह रहा है, 45302 ये कह रहा है आपको, सबसे पहले सबसे आगे वाला नंबर पकड़ा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फिर फाइव पकड़ा, वन टू थ्री, फिर थ्री पकड़ा, वन टू, फिर जीरो आया तो जीरो को जीरो छोड़ दिया प्लस टू। अब क्या करेंगे, थ्री डे थ्री जीरो के बाद कॉमा लगाया, ये 40,000 ये 5,000, तो क्या हो गया 45,000 प्लस 300 प्लस टू, ये आ गया आपकी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस में करना है, तो आप सेकंड के बाकी क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। आप देखो क्वेश्चन में थर्ड के अंदर आपको क्या दिया था, क्वेश्चन में थर्ड में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई और उससे आपको नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो थर्ड का, थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, 40,000 दिया हुआ है आपको, प्लस 5,000 दिया हुआ है आपको, प्लस 700 दिया हुआ है आपको, प्लस
प्लस 70 दिया हुआ आपको, प्लस 2 दिया हुआ आपको। तो देखो आपको मैंने कहा है ना, 3 जीरोस के बाद में कॉमा लगाए तो 40,000 और 45,000, तो ये तो हो जाएगा आपके 45,000 प्लस 770 और 2, तो पहले इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा आपके 72 और ये हो गया आपका 700। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या हो गया आपके 45,000 प्लस ये क्या हो गया 772। अब इनको ऐड करो तो 45,772, तो कितना आ गया आपके 45,772 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसको। देखो इसका अपन करते हैं फोर्थ करते हैं। देखो इसका फोर्थ क्या कह रहा है, देखो इसका फोर्थ कह रहा है आपके 50,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 सॉरी 800 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले ये देखो थ्री जीरो के बाद में कॉमा लगाया, ये क्या हो गया 50,000, ये 2,000 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 52,000 प्लस 800 प्लस लास्ट के दो वाला ऐड किया 10 प्लस 1 11। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 800 प्लस 11 कितना हो जाएगा 811। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52,811 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसके भी बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपको मैं खूब सारे क्वेश्चन ट्राई करने को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है और मैं चाहता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्कोर बढ़ेगा। आप ये समझ लीजिए आपका ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें नंबर निकालना बहुत आसान है। आपको ये सभी तो करना है और तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर। आपको नंबर दिए हैं उसमें 6 और 2 के आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं चारों के चारों लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको चारों करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 5 है, एक बाद में पहले ये कर लेते। 2, 8, 5, 0, 6, 3, 6, 2, 6, 5, 5, 2, 2, 6, 6, 6, 9, 2, 4, 2। आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या सिखाई थी, प्लेस वैल्यू सिखाई थी इसकी। तो देखो अपन करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना होता है, चेक करना होता है सबसे इसमें किसका कहा हुआ है, 6 का और 2 का। तो सबसे पहले 6 को देखो, 6 का है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इसमें यूनिट, और 2 का है यहाँ पे, तो देखो 1, 2, 3, 4 4 पे है ना, तो 2 की यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी आपके 4 जीरोज आ गए, और 4 जीरोज को अपन क्या बोलते हैं 10,000 बोलते हैं, तो 2 की यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी आपके 10,000। देखो इसको समझने की कोशिश करो, देखो अगर कोई जीरो नहीं है, खाली सिंगल डिजिट है, तो उसको बोलते हैं अपन यूनिट। ठीक है, अगर एक जीरो तो उसको बोलते हैं अपन 10, 2 जीरो तो उसको बोलते हैं अपन 100, 3 जीरो तो उसको अपन बोलते हैं क्या 1,000, 4 जीरो तो उसको अपन क्या बोलते हैं 10,000। इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो 2 के पीछे कितने हैं, 1, 2, 3, 4 4 जीरोस आएंगे, यानी 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10,000। 6 का है, सिंगल यूनिट है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया यूनिट। वैसे इसकी बात करते हैं, देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है 6। तो सबसे पहले पहले वाले 6 की बात करें, तो पहले वाला 6 के पीछे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, और एक जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो पहले वाला 6 तो है 10 पे। उसके बाद आता है आपका 2, 2 कहाँ आपके, तो 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 1, 2 2 डिजिट है, देखो 2 डिजिट तो कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, और 2 जीरो यानी 100, तो 2 की तो होगी कहाँ पे 100 पे। और तीसरा वाला तो 6 है, ये वाला इसकी कहाँ पे देखो, तो 1, 2, 3 3 डिजिट आ रही है, यानी कितने जीरोज आएंगे, 3 ही जीरोज आएंगे, और 3 जीरोज आएंगे तो क्या हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू 1,000। क्या हो जाएगी 1,000। अब इसमें देखो 2 6 आ रहे हैं, फिर 2 2 आ रहे हैं, तो सबसे पहले पहले वाले 6 की बात करते हैं। तो पहले ये इसका है, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है। सबसे पहले पहले वाले 6 की बात करते हैं, कहाँ पे आ रहा है, यूनिट पे सबसे पीछे है। उसके बाद दूसरा वाला 6 कहाँ आ रहा है, यूनिट, फिर 10, तो 10th पे आ रहा है वो, ठीक है। इसके बाद में 2 कहाँ पे आ रहा है, तो 2 आ रहा है कहाँ पे, 2 के पीछे कितने डिजिट, 2, तो कितने जीरो, 2 जीरो, और 2 जीरो तो 100, तो 2 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 100 पे। और फिर आ रहा है आपका एक और 2, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, 1, 2, 3 जीरोज आ रहा है इसके पीछे, 3 जीरोज यानी 1,000, 3 जीरोज यानी 1,000, तो दूसरा 2 का आ रहा है यहाँ पे 1,000 पे आ रहा है।
ये हो गया आपका, ये इसका हो गया। अब इसका देखो, एक दो और एक सिक्स, तो सबसे पहले पहले वाला टू कहाँ पे है, पहले वाला टू है आपके यूनिट पे, दूसरा वाला टू कहाँ पे, तो देखो वन टू टू डिजिट आ रहे इसके पीछे, तो कहाँ हो गया ये हंड्रेड पे, और सिक्स आपके कहाँ पे है, सिक्स आपके वन टू थ्री फोर, फोर पे यानी 10,000, क्यों, क्योंकि इसके फोर जीरोज आएंगे और फोर जीरोज को अपन क्या बोलते हैं 10,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका जो फिफ्थ है, फोर्थ का फिफ्थ क्या है, देखो ये हो गया आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो फर्स्ट का फिफ्थ क्या है जो आपको करना है, फर्स्ट का फिफ्थ है ये 8 2 5 6 3, ये फर्स्ट का फिफ्थ है। इसमें आपको इस सिक्स का और इस टू का क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, आप खुद निकालेंगे, ठीक है, और नीचे कमेंट में लिखेंगे सर फोर्थ के फिफ्थ में सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या है और टू की प्लेस वैल्यू क्या है, सिक्स इक्वल्स टू आगे लिखना क्या है और टू इक्वल्स टू आगे लिखना क्या है, नीचे कमेंट में, ठीक है ना। मैं आपके आंसर चेक करूंगा, देखूंगा कौन सही आंसर देता है, ठीक है। ये आपका आपका क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें आपको इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ फटाफट से, आपको समझाएंगे। देखो मैथ्स पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना, देखो मेरे को पता नहीं लगता आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ यार, ठीक है। ये आपके हो गए फोर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इनका यूज़ करना है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन तीन साइन का यूज़ करना है, यानी आपको चेक करना है इसमें और इसमें बड़ा कौन है। मैंने आपको चीज़ बताई थी, देखो सबसे पहले चेक करना है ये कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, ये फोर डिजिट नंबर है, ये कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, ये भी फोर डिजिट नंबर है, ठीक है। अब चेक करो इसके आगे वाला नंबर कौन है, 2, इसके आगे वाला नंबर क्या है, 2, दोनों का आगे वाला नंबर क्या है, 2 ही है, तो दोनों तो बराबर हो गए। इसके बाद वाला नंबर चेक करो, ये क्या है, 9, इसमें भी क्या आ रहा है, 9, दोनों में 9 आ रहा है, फिर बराबर हो गए। इसमें चेक करो क्या आ रहा है, 7, और फिर यहाँ क्या आ रहा है, 3, 7 बड़ा कि 3 बड़ा, 7 बड़ा, तो ये आ गया आपके, ठीक है ना। जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ क्या होती है, इसकी टेल होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो पहले वाला 1 2 3 4, ये भी फोर डिजिट, 1 2 3 4, ये भी फोर डिजिट, पहले वाला नंबर 5, पहले वाला नंबर 5, दूसरे वाला नंबर भी 4, दूसरा वाला नंबर भी 4, तीसरा नंबर 3, इधर भी 3, ये 2, ये भी 2, यानी क्या है, सारे बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वल्स टू, बराबर है तो क्या आ गया, इक्वल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो 8, आगे वाला 8, पीछे वाला 9, ये भी 9, ये 5, ये भी 5, ये 2, ये भी 2, फिर बराबर हो गए, तो फिर से इक्वल्स टू, ये देखो 1 2 3 4, फोर डिजिट है, 1 2 3 4, ये भी फोर डिजिट है, पहले वाला 6, इधर भी 6, दूसरा वाला 8, इधर भी 8, तीसरे वाला 5, तीसरा वाला इधर भी 5 है, पर यहाँ पे देखो फोर्थ वन क्या है, 0, और यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, 2, 0 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 बड़ा, तो किस तरफ आएगा, बड़े की तरफ ऊपर हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी फोर डिजिट, ये भी फोर डिजिट, पहले वाला 3, दूसरे वाला 3, सॉरी इधर भी 3 है, सेकंड 3 6 है, इधर भी सेकंड वाला 6 है, इधर थर्ड वाला 7 है, इधर भी थर्ड वाला 7 है, इधर फोर्थ वाला 5th है, इधर भी फोर्थ वाला 5th है, यानी सारे बराबर है तो इक्वल्स टू। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 4 है, देखो अब फर्स्ट नंबर इधर 9 है, फर्स्ट इधर भी 9 है, इधर सेकंड 8 है, और इधर सेकंड क्या है, 7 है, तो बड़ा कौन, 8 या 7, 8 बड़ा, तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या सीख रहे हैं अपन यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर सीख रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई, असेंडिंग ऑर्डर होता है
सबसे छोटा नंबर जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो देखो इसका फर्स्ट क्या है, मैं आपको इसके दो करवाऊंगा, एक आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट कह रहा है 2688 8 6 3 7 7 2 5 3 0 8 4 0 2 5 9 7 5 4 0 0 2 1, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर देखना है। तो देखो आगे वाला नंबर देखो सबका, इसका आगे वाला 3 है, इसके आगे वाला 3, इसके आगे वाला 2 है, इसके आगे वाला 4 है, इसके आगे वाला 4 है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, क्योंकि तो सबसे आगे वाला किसका क्या है, 4 है। और ये चेक कर लो कि सारे एक इक्वल ही है या कोई नंबर छोटा। देखो 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट है, और 1 2 3 4 5 सब 5 डिजिट नंबर है, सब 5 डिजिट नंबर है। यानी जिसके आगे वाला नंबर सबसे बड़ा होगा वो कौन सा नंबर होगा, सबसे बड़ा होगा। इधर 2 है, इधर 3, ये भी 3, ये 2, ये 4 है, 4 अब तक सबसे बड़ा है, तो ये नंबर तो हो गया सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो इसको तो लिखना अपन को सबसे लास्ट में। तो देखो 40021 तो हो गया सबसे बड़ा और ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है ना, ये सारा रफ वर्क है। अब देखो अब चेक करना सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है ना, ये भी 2 और ये 2। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वो कौन होगा, सबसे छोटा होगा। तो आगे वाला नंबर 2, इधर भी आगे वाला नंबर 2 है, इधर पीछे वाला नंबर 6 है और इधर पीछे वाला नंबर क्या है, 5 है। 6 बड़ा कि 5 बड़ा, 6 बड़ा। तो छोटा कौन सा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा उसको सबसे पहले 25975 ये सबसे पहले आ गया, फिर आपने लगाया कॉमा, ये आपका आंसर है जो यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद में इससे जस्ट बड़ा कौन था, यही तो था, तो इसको लिखा यहाँ पे 26886 हो गया। अब देखो दोनों नंबर 3 के हैं, ये भी 3 है और ये भी 3 है, पर इसमें सेकंड डिजिट क्या है, 7, और इसमें क्या है, 0। तो 0 बड़ा कि 7 बड़ा, सर 7 बड़ा। तो छोटा कौन हुआ, ये, तो इससे जस्ट बड़ा कौन हुआ, ये वाला। तो ये लिखो 30840, इसके बाद में ये 37725, उसके बाद में फिर लास्ट में, अब सारे हो गए, लास्ट में कौन बड़ा है, सबसे बड़ा वाला आएगा, वो कौन है, 40021। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको चेक करना है सबसे पहले कि सारे नंबर सेम डिजिट के हैं या कोई नंबर छोटा है। अगर सारे एक जैसे हैं, उसके बाद में चेक करना है सबसे छोटा कौन सा है उसको लिखा, फिर उससे जस्ट बड़ा कौन सा है उसको लिखा, फिर उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, ऐसा करना होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो 6 का ही, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्या कह रहा है, 5930753907 5970357 0309 और लास्ट नंबर है आपका 57903। ये पूरा आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि साइड पर कुछ कट रहा है वगैरह, ना ना सही आ रहा है। उसको लास्ट वाले को थोड़ा सा सही लिखना, ये क्या है आपके, ये आपके 57903 आ गया, सॉरी। देखो अपन को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले ढूंढना सबसे छोटा, और सबसे छोटा ढूंढने से पहले चेक करना है कि सारे इक्वल डिजिट हैं कि नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ये है 5 डिजिट, ठीक है, फिर ये कौन है, 1 2 3 4 5 ये भी क्या है आपके 5 डिजिट, फिर 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, देखो सबका नंबर पहले 5 है, सबका 5 है, उसके बाद देखो इसका 9 है, इसका 3 है, इसका भी 9 है, इसका 7 है, इसका 7 है। अब देखो सबसे छोटा कौन सा हो गया फिर, 5 और 3, भाई 5 और 3 से बड़ा क्या, यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ तो 3 है, तो सबसे छोटा तो कौन सा हो गया आपके, 53907 ये तो सबसे छोटा हो गया। अब देखो 3 के बाद में 7 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, 7 होता है ना पहले, तो सबसे पहले कौन आएगा, 7 वाले आएंगे। अब देखो ये दो 7 वाले हैं, अब इन दोनों को आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो ये 7 वाला है, ये भी 7 है, इसके बाद यहाँ 0 आ जाता है और यहाँ क्या है, 9 है,
तो 0 बड़ा कि 9 बड़ा? सर 9 बड़ा, तो छोटा कौन सा हुआ? ये हुआ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसके बाद में 57039। इसके बाद में 10 बड़ा कौन हो गया? ये हो गया, तो क्या आएगा? 57903। अब ये वाला नंबर भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों हो चुके हैं ना, बचे कौन है? ये दो। अब इन दो को कंपेयर करना है, तो देखो 5 5 9 9 3 7 7 आ गया ना, ये 3 है, यानी ये हो गया छोटा, तो ये आएगा यहाँ पे 59307, और ये सबसे बड़ा 59703। ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। इसका 6 का ही थर्ड जो है वो आपको ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपकी इस चैप्टर का लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 7 क्या है आपके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, तो डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से सबसे छोटा, यानी आपको सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है और सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है इसका 1 4 1 5 2 5 5 1 4 2 5 3 4 1 5 2 4 2 3 2 5 5 0 9 2 5। अब देखो उनको चेक करना है सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन, उसके लिए क्या करते हैं, पहले काउंट करेंगे सारे इक्वल डिजिट है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 का है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 का है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 का है, 1 2 3 4 5 सारे 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद में चेक करना है सबसे बड़ा कौन है, तो देखो आगे वाला नंबर इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ठीक है ना। तो देखो इसमें 4 है, ये दोनों 5 वाले हैं, ये भी 5 वाला है और ये भी 5 वाला है, तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखो 5 5 1 0, 1 बड़ा कि 0 बड़ा? 1 बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो गया? सबसे बड़ा ये वाला नंबर हो गया, तो ये आएगा सबसे पहले। इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा? इसके बाद में सर ये वाला नंबर आएगा, तो 50925, ठीक है, ये दोनों नंबर हो गए। अब बचे कौन से? ये तीनों। अब देखो 5 के बाद में जस्ट छोटा कौन, तो 4 वाले हैं, तो देखो 4 वाले भी 2 हैं, ये हैं और ये हैं, तो इनको कंपेयर करते हैं। अब देखो 4 4 1 2, 1 बड़ा कि 2 बड़ा? सर 2 बड़ा, तो बड़ा वाला पहले आएगा, तो बड़ा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़ा वाला पहले आएगा, तो 4 2 3 2 5, इसके बाद में कौन आ रहा है? 4 1 5 2 5, उसके बाद में लास्ट क्या बचा आपके? ये जो सबसे छोटा है, तो आपके आ गया 3 4 1 5 2, और ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर, ओके। अब देखो इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, सेवेंथ का सेकंड, सेकंड कह रहा है 8 6 0 6 7 8 1 3 1 6 8 5 8 5 0 3 2 8 2 5 1 1 8 1 5 4, ठीक है। अब देखो आपको चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है सारे 5 डिजिट नंबर हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे इक्वल है, सारे के सारे इक्वल डिजिट नंबर है। अब चेक करना है सबसे बड़ा कौन है, सारे 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी 8 से हो रहा है, ये भी 8 से हो रहा है, ये भी 8 से हो रहा है, सब 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका सेकंड नंबर क्या है? 6 है। इसके क्या है? 1 है। इसके 5 है, इसके 2 है, इसके भी 1 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? देखो 6 वाला सबसे बड़ा हो गया ना, क्योंकि भाई सबके यहाँ पे देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 से तो 1 बड़ा ही है, फिर यहाँ 5 है, 5 से भी 6 बड़ा है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से भी 6 बड़ा है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 से भी 6 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो गया? ये वाला, तो ये आएगा सबसे पहले, ये आ गया सबसे पहले। अब ये तो हो गया, ठीक है ना, ये वाला नंबर तो हो चुका। अब इसके बाद में देखो बड़ा कौन, तो देखो ये 5 वाला, देखो 5 है, यहाँ पे 1 है, 1 से 5 बड़ा, यहाँ 2 है, 2 से 5 बड़ा, यहाँ भी 1 है, 1 से भी 5 बड़ा, तो इससे इसके बाद में कौन आ गया? 5 8 5 0 3 2, इसके बाद में ये हो गया। अब बचे ये तीन। अब देखो 2 है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है,
पर यहाँ पे क्या 2 है, तो ये क्या हो गया उससे बड़ा, तो क्या आ जाएगा 8 2 5 1 1। अब देखो लास्ट कौन बचे हैं, ये दोनों बचे हैं और दोनों किसके 1 के, 8 8 1 1 3 1, बड़ा कौन सा हुआ ये वाला, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 1 3 1 6 और इसके बाद में 8 1 1 5 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की ओर लिखना और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ चलना, बस इतना सा है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है आपको पता है, आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, एग्जांपल्स है तो एग्जांपल्स, क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस, सारे के सारे मैंने जो करवाए वो तो करने हैं ही हैं और जो नहीं करवाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको करने। कोई भी डाउट आता है क्या करना है आपको, क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस किया नहीं समझ आया दोबारा किया फिर भी नहीं हुआ तो एक बार वीडियो दोबारा देखा कि मैं क्या करता हूँ, उसको देखा उसको समझा फिर उसको अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि जैसे मैं करता हूँ एज इट इज़ वैसे ही करना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा उसके बाद में अगर आपको कोई ईजी तरीका लगता है तो आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आपने आंसर निकाला, आंसर मैच किया नहीं हो रहा, फिर एक बार और किया फिर भी नहीं हुआ तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपको वो डाउट बन गया। नीचे कमेंट सेक्शन है आपके पास में, उसमें कमेंट करना है चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का कोई साहब, जैसे फर्स्ट में 4 पार्ट है तो कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है, सेकंड में आ रही है, थर्ड में आ रही है, फोर्थ में आ गया, आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, आपके सारे डाउट्स पढ़े जाते हैं और आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, मैंने आप तक जितनी भी एक्सरसाइज करवाई है आपको सारे एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने करवा दे वो आप नहीं करेंगे, वो भी आप करेंगे ताकि आपका बेस क्लियर हो कि यार कैसे करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय।